वॉट इज एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज इट कंपल्सरी फॉर आल कंपनीज वेन वेन शुड वॉट इज द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज इट कंपल्सरी फॉर आल कंपनीज वन शुड सच मीटिंग भी हेल्ड कब यह मीटिंग जो है हेल्ड होगी वाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कमीशन टू होल्ड द मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग में एवरी कंपनी इज रिक्वायर टू कॉल एट लीस्ट वन मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर इन ईच ईयर सभी जो भी जितनी भी कंपनियाँ हैं सभी कंपनियों को यह रिक्वायरमेंट है कि वह कम से कम जो है एटलीस्ट एक मीटिंग वो अपने शेयर होल्डर्स की इज प्रत्येक ईयर्स वो वो बुलाएंगी इस जो दिस मीटिंग इज़ नॉन एज एनुअल जनरल मीटिंग इस मीटिंग इसी मीटिंग को कौन सी मीटिंग जो सभी कंपनियां जो है एटलीस्ट वन मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स इन ईच ईच ईयर सभी जो प्रत्येक वर्ष बुलाती हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग इसी को एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी मस्ट बी हेल्ड विद इन एटीन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस तारीख से अठारह महीने के पहले पहली जनरल एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी की होनी चाहिए इसके बाद एंड देयर आफ्टर नो मीटिंग विल बी नेसेसरी फॉर द ईयर इसके बाद उस साल के लिए कोई भी मीटिंग आवश्यक नहीं होगी ऑफ इनकॉर्पोरेशन की एंड द फॉलोइंग ईयर देयर फिर एक ही बार जो है अठारह महीने के अंदर इनकॉर्पोरेशन की जो मीटिंग होती है कि कंपनी जो इनकॉरपोरेट हुई है तो उसमें शेयर होल्डर्स की मीटिंग एक बार बुलाई जाती है फिर इसके बाद जो है फिर वैसी कोई मीटिंग की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती है और देयर आफ्टर वन एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड इन एवरी ईयर फिर उसके बाद प्रत्येक साल जो है एक एनुअल जनरल मीटिंग होगी द गैप बिटवीन वन मीटिंग जो गैप है पहली मीटिंग का और दूसरी मीटिंग का शुड नॉट बी मोर देन फिफ्टीन मंथ फिफ्टीन मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ श्री मीनाक्षी मिल्स कंपनी लिमिटेड श्री मीनाक्षी मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेज असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज मीनाक्षी मिल्स कंपनी वर्सेज असिस्टेंट रजिस्ट्रार आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के केस में यह कहा गया है कोर्ट ने यह बताया कि देयर शुड बी वन मीटिंग पर ईयर मतलब कि एक मीटिंग एवरी ईयर होनी चाहिए एंड एज मेनी मीटिंग्स एज देयर ईयर चाहे जितनी भी हों लेकिन एक मीटिंग्स जरूरी है कि एक मीटिंग्स प्रत्येक साल हों हाउ एवर द रजिस्ट्रार हैज़ बिन इम्पावर टू एक्सटेंड द टाइम यह रजिस्ट्रार के पावर पास पावर है कि वो उस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर होल्डिंग एन एनुअल जनरल मीटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ ओनली थ्री मंथ्स केवल तीन महीने तक ही उनको रजिस्ट्रार को यह पावर है कि एनुअल जनरल मीटिंग को टा एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर होल्डिंग एंड फॉर सम स्पेशल रीजन अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं तब जो रजिस्ट्रार क्या करेंगे जो एनुअल uh, जो कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसको तीन महीने के लिए uh, बढ़ा देंगे बट द टाइम फॉर होल्डिंग द फर्स्ट एनुअल मीटिंग ऑफ कंपनी कैन नॉट भी एक्सटेंडेड और जो um, किसी भी केस में जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की वो किसी भी केस में एक्सटेंड नहीं की जा सकती है द मीटिंग शुड बी हेल्ड हेल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स यह जो मीटिंग होती है इसको यह कब होती है बिजनेस आवर्स के दौरान होती है ऑन अ डे ठीक है विच इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे जो पब्लिक हॉलीडे नहीं होता उस दिन वो मीटिंग होती है बिजनेस अब, आवर्स अब, में ही होती है ठीक है द प्लेस शुड बी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी किस जगह होगी तो वह रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी होना चाहिए या फिर द मीटिंग कैन बी हेल्ड एट एनी अदर प्लेस किसी दूसरे प्लेस पे हो सकती है विद इन द टाउन वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड उसी शहर टाउन में होगी जहाँ पर ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है दिस मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यह जो मीटिंग होती है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है द पर्पज ऑफ दिस मीटिंग इज इस पर मीटिंग का पर्पज़ क्या होता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी इस मीटिंग का यह उद्देश्य होता है कि शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करे द अल्टीमेट कंट्रोल एंड डेस्टिनी ऑफ अ कंपनी जो अल्टीमेट कंट्रोल एंड डेस्टिनी ऑफ कंपनी क्या होना चाहिए शुड बी इन हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स जो अल्टीमेट कंट्रोल अल्टीमेट कंट्रोल और जो है डेस्टिनी आप कंपनी किसके कंट्रोल में होना चाहिए शुड बी हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स अल्टीमेट कंट्रोल और डेस्टिनी अ कंपनी शुड बी इन शुड बी इन हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स के हैंड के हाथों में होना चाहिए इट इज देर फॉर नेसेसरी इसलिए यह आवश्यक है दैट द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी शुड कम टुगेदर इसलिए यह आवश्यक है कि जो कंपनी की जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक साथ आएं वंस इन ईयर एक साथ में एक साल आए टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कंपनी किस लिए टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कंपनी कंपनी के जो कार्य हैं जो उसकी वर्किंग है उसके रिव्यू के लिए दिस मीटिंग अफोर्ड सच एन अपॉर्चुनिटी यह जो मीटिंग होती है ऐसी अपॉर्चुनिटी अफोर्ड्स करती है अ डिफिनिट नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स रिटायर एवरी ईयर एक जो डिफिनिट नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं वो एवरी ईयर्स रिटायर हो एवरी ईयर्स बाय रोटेशन एंड रिटायर होते हैं किस किस कैसे बाय रोटेशन एंड द रिटायरिंग डायरेक्टर में सीख रिलेक्शन जो जो डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं वो दोबारा रिलेक्शन में भाग ले सकते हैं इट इज दिस टाइम व्हेन द शेयर होल्डर्स विल बी लाइबल टू एक्सरसाइज रियल कंट्रोल इन इट इज दिस टाइम इस समय क्या है व्हेन द शेयर होल्डर्स विल बी लाएबल जब शेयर होल्डर्स लाइबल होंगे किस चीज़ के लिए लाएबल होंगे जिम्मेदार होंगे टू एक्सरसाइज रियल कंट्रोल रियल कंट्रोल को एक्सरसाइज करने के लिए कब बाई रिफ्यूजिंग टू री इलेक्ट अ पर्सन जो किसी भी दूसरे ऐसे व्यक्ति को री इलेक्ट करने से रिफ्यूज कर देना उसको मना कर देना अ पर्सन हुज एक्शंस एंड पॉलिसी दे डिसअप्रूव जिसकी एक्शन को जिसकी पॉलिसीज को वो डिसअप्रूव करते हैं जिसको अप्रूव नहीं करते हैं नॉट ओनली दिस द ऑडिटर्स रिटायर एट दिस मीटिंग द ऑडिटर्स रिटायर एट दिस मीटिंग एंड द शेयर होल्डर्स मे कंसिडर वे द ऑडिटर्स शुड बी री अपॉइंटेड और रिप्लेसड जब ऑडिटर्स रिटायर होते हैं मीटिंग में तो इस शेयर होल्डर्स को तय करना चाहिए करते हैं कि ऑडिटर को रीअपॉइंट करना चाहिए या उनको हटा देना चाहिए ठीक है सिर्फ यही नहीं है कि इतना ऐट दिस मीटिंग डिविडेंट्स आर डिक्लियर इस इन मी, जो मीटिंग्स हैं उसमें डिविडेंट डिक्लियर होता है और क्या होता है एंड द डायरेक्टर्स हैव टू प्रोड्यूस एंड प्रजेंट इन दिस मीटिंग द एनुअल रिपोर्ट एंड एनुअल अकाउंट डायरेक्टर को क्या करना होता है प्रोड्यूस करना होता है और प्रजेंट करना होता है मीटिंग में एनुअल रिपोर्ट और एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द कंसिडरेशन ऑफ शेयर होल्डर्स किसके कंसिडरेशन के लिए शेयर होल्डर्स के कंसिडरेशन के लिए किसको डायरेक्टर्स को मीटिंग में क्या करना होता है प्रेजेंट करना होता है प्रोड्यूस करना होता है किसको एनुअल रिपोर्ट को और एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी को अब जनरली स्पीकिंग द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड इन दिस मीटिंग इज द द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट दिस मीटिंग जो बिजनेस इस मीटिंग में ट्रांजेक्ट होगा इज द इज द ऑर्डिनरी बिजनेस यह ऑर्डिनरी बिजनेस होगा विच इज गिवेन इन द आर्टिकल जो कि आर्टिकल्स में दिया हुआ है हाउ एवर द मीटिंग में टेक अप एनी बिजनेस मीटिंग कोई भी अदर बिजनेस ले सकती है आल्सो विच इज़ नोन एज स्पेशल बिजनेस जिसको स्पेशल बिजनेस के नाम से जानते हैं द ओनली इफेक्टिव वे केवल एक ही इफेक्टिव वे है द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इन जनरल मीटिंग एक ही इफेक्टिव वे है मेम्बर्स ऑफ अ जनरल मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इन जनरल मीटिंग कैन एक्सरसाइज देयर कंट्रोल ओवर द डायरेक्टर्स एक ही कि जो member, की जो मेंबर कंपनी की जो मेंबर्स हैं यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो जनरल मीटिंग में क्या कर सकते हैं एक्सरसाइज देयर कंट्रोल वो अपना नियंत्रण कर सकते हैं किसके ऊपर डायरेक्टर्स के ऊपर कब किसमें इन अ डेमोक्रेटिक मैनर डेमोक्रेटिक मैनर में इज टू अल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सो एज टू रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द डायरेक्टर किस मैनर में टू एल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सो आई टू रिस्ट्रिक्ट मतलब रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द डायरेक्टर्स डायरेक्टर की पावर को